इंसान में कुछ करने का जज्बा रहा तो वह अपनी मेहनत और लगन से बड़ा काम भी चुटकियों में कर सकता है। यह समुद्रपुर तहसील के गिरड़ गांव के आकाश डंभारे नाम के गरीब घर के बेटे ने अपनी मेहनत से कर दिखाया है। खेतीहर मजदूर के बेटे ने बुरे से बुरे हालातों को मात देकर रोज मजदूरी कर खुद के बलबूते पर मेहनत करते हुए सात समंदर पार गगन भराई लिखी है। 3 एकड़ का खेती, माँ मानसिक रूप से बीमार, पिता खेती मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। विदेश जाने के चयन हुआ मगर जाने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह दुविधा में पड़ गया और इस मुश्किल घड़ी में जाम के पीवी टेक्सटाइल के व्यवस्थापक भूपेंद्र शाहने ने उसे मदद की। उन्होंने आकाश डंभारे को जाने का प्रबंध किया। बेटा मेहनत कर विदेश शिक्षा एवं नौकरी के लिए जाते समय गरीब माँ बाप की खुशी से आंसू नहीं थम रहे थे। उन्होंने विदेश चयन की बात समझते हुए गिरट के सरपंच राजू नौकर, मोहगांव ग्राम पंचायत के सरपंच विलास नवघरे, पूर्व जिला परिषद सदस्य फकीराजी खड़से, पत्रकार गजानन गारघाटे ने आकाश रामदास जी डंभारे के घर जाकर उन्हें मुलाकात करते हुए आकाश के परिवार को पुष्प गुच्छ एवं मिठाई देकर सम्मानित किया। माझं पूर्ण नाव आकाश रामदास जी डंभारे, मी राहणार गिरट, मी स्टुडंट ऑफ बीएससी ॲग्रिकल्चर। सध्या माझा इंटर्नशिपला नंबर लागला डेन्मार्क युरोप। माझी घरची कंडिशन इतकी बेताची होती की खूप कमी, कारण का माझं स्वतःचं शिक्षण होत नव्हतं, आईची मानसिक हालत नाही, जेव्हापासून मी जन्म झालो तेव्हापासून मानसिक हालत चांगली नाही, तरी पण वडिलांनी मला शिकवलं आणि जेव्हापर्यंत मी ॲज अ अंडर ग्रॅज्युएशन होतो तेव्हापर्यंत त्यांच्या बेसवर होतो। नंतर मी स्वतः माझ्या कमाईनं शिक्षण घेत गेलो, डिग्री केली, डिप्लोमा केला आणि समोरचं उच्च शिक्षण घेतलं। आता सध्या माझ्या लग्न आणि माझ्या मेहनतीमुळे मला सिनियरचं योग्य मार्गदर्शन लाभल्यामुळे मी सध्या आयएल्स हे इंटर्नशिप डेन्मार्कची एक्झाम पासआउट करून सध्या मी आज किंवा उद्या डेन्मार्क इथे शिफ्ट होणार। वडील माझ्या घरी 3 एकर शेती असली तरी घरची कंडिशन खराब असल्यामुळे माझे वडील रोजमजुरी आणि सोबत शेती करतात आणि माझं जे पूर्ण शिक्षण झालं हे हॉटेलमध्ये काम करून किंवा न्यूजपेपर वाटून आणि अशा त्यानंतरही कंपनीचा एक्सपिरियन्स म्हणून डिग्री झाल्यानंतर 3 वर्ष मी काम आणि शिक्षणच करत राहिलो। आजच्या घडीला माझा आता युरोपला नंबर लागला त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे। हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।